हेलो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप सभी स्वागत है। तो आज बिहार बोर्ड इंटर का डमी एडमिट कार्ड है जारी हो गया है और इसका लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप हम डाउनलोड करके दिखलाने वाले हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको हम दिखलाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको हम दो तरीका से आपको हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके दिखलाने वाले हैं। पहला हो गया जाके गूगल से हम दिखलाएंगे और दूसरा बार में आपको हम दिखलाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से। सबसे पहले हम दिखलाते हैं आपको गूगल से। तो आपको गूगल अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है SS, फिर आपको लिखना है ऑनलाइन। इस तरह का आपको पहले इतना लिखना है SS ऑनलाइन, फिर आपको लिखना है डमी एडमिट कार्ड। इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं मीनिंग को जो स्पेलिंग को जो बढ़िया से यहाँ पर लिख लेना है SS ऑनलाइन डमी एडमिट कार्ड। फिर आपको सर्च मारना है। फिर आप जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर एक वेबसाइट आपको देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बार में एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है inter23biharboardonline.com। यहाँ पर लिखा गया है स्टेंट डमी एडमिट कार्ड। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको डाल देना है। यहाँ पर इसे डेट ऑफ बर्थ को डालना है। इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। तो इस कैलेंडर में से आपको जो डेट ऑफ बर्थ को है जो चुन कर जो लिख लेना है इस तरह का। जैसे कि हम चुन लेते हैं यहाँ पर फिर जाके यहाँ पर महीना हम चुन लेते हैं। फिर यहाँ पर डेट भी हम चुन लेते हैं। इस तरह का जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो हम चुन लिए हैं और यहाँ पर अपना है जो रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। तो आपका जो भी डमी एडमिट कार्ड होगा वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको दूसरा स्टेप भी आपको हम बतलाते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा स्टेप यही कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर आ जाना है और यहाँ पर सर्च बार में लिखना है यूके राजा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूके राजा ऑनलाइन। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है एक यूके राजा ऑनलाइन स्टेट 2.0। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। तो आप जैसे ज्वाइन होंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिंक जो दिया गया है डायरेक्ट लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड 12th डमी एडमिट कार्ड जारी। यहाँ पर डाउनलोड करने का यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो इस लिंक पर आप जैसे ही पर क्लिक करते हैं तो आपको है जो रीडायरेक्ट आपको उसी वेबसाइट पर आपको है जो लेकर जाएगा। फिर यहाँ पर इसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।